हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मींस होता है क्रिएट डेप्थ इन पेंटिंग, मतलब आपको पेंटिंग में गहराई दिखानी है। जैसे दूर की चीज़ बहुत छोटी होती है, पास की चीज़ बड़ी शो होती है, वो ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू पर्सपेक्टिव के कारण ही होती है। अगर पास में कोई छोटी चीज़ है लेकिन वो छोटी की जगह हमें बड़ी दिखाई देगी क्योंकि वो हमारे क्लोज है, और दूर अगर कोई बड़ी भी चीज़ है लेकिन वो हमें छोटी दिखाई देती है, इसी को पर्सपेक्टिव बोलते हैं। पर्सपेक्टिव टू शो डेप्थ इन पेंटिंग। जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के पास होते हैं वो क्लियर दिखाई देते हैं और बड़े दिखाई देते हैं, और जो हमारी आंखों से दूर होते हैं वो थोड़े से डल दिखाई देते हैं और छोटे दिखाई देते हैं। तो हम पर्सपेक्टिव के बारे में तो समझ गए, लेट्स स्टार्ट। पर्सपेक्टिव के बारे में और डिटेल में जाते हैं। आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें एक मिडिल पॉइंट हो गया। इस पॉइंट अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ की चीज़ आपको छोटी दिखाई देगी, ऐसे शो होती है वो। ऐसे अगर इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यहाँ जो चीज़ है वो आपको बड़ी दिखाई देगी और यहाँ पर जाते जाते वो चीज़ छोटी हो जाती है ऑब्जेक्ट। तो वही हमें पर्सपेक्टिव में दिखाना है। लाइक अ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक जो है पास में बड़ा होगा और पास दूर जाते जाते वो छोटा हो जाता है। ट्री देख सकते हैं, अगर आप यहाँ ट्री बना रहे हैं तो ट्री यहाँ छोटे होंगे और नज़दीक वाले ट्री बड़े होंगे। यहाँ पर अगर आप ऐसे यहाँ पे देखते हैं ट्री, ये ट्री है, ये इधर से अगर यहाँ पर कोई चीज़ है, यहाँ कोई फिगर खड़ा है तो उसको यहाँ बड़ी चीज़ दिखाई देगी, है ना। और धीरे धीरे यहाँ पर जाते जाते वो ऑब्जेक्ट छोटी हो जाती है, यही पर्सपेक्टिव। अगर हम यहाँ पे कोई फिगर बनाते हैं तो वो फिगर बड़ी बन गई, लेकिन धीरे धीरे जब वो दूर होती चली जाती है तो वो फिगर छोटी होती दिखाई देगी आपको। ये तो सिंपल एग्जांपल है। ऐसे ही आपको रेलवे लाइन या ट्री की शेप या पोल लाइट या स्कूल का कॉरिडोर, और जैसे एफआई स्कूल का कॉरिडोर, ऐसे आप कोई भी इमेज जो पर्सपेक्टिव व्यू में हो वो आपको